एनिमल वेलफेयर का दिल से तब आया जब एक डॉगी को जख्मी होकर पड़ा हुआ था रोड में, दोनों टांगे उसके पीछे से टूट चुकी थी, अपाहिज हो चुका था। यहाँ के नजदीक के एक एनजीओ पे लेके गया, वहाँ एडमिट कराया, तो वहाँ से मेरा एक तरह का सफर शुरू हुआ एनिमल वेलफेयर का। हमारे पास इस वक्त 180 के करीब डॉगीज हैं, जिनमें अपाहिज हैं, जो एक्सीडेंट हुए होते हैं, हाथ पांव टूटे हैं, कंबर टूटे हैं, कई लोगों ने मार के उनको जख्मी किया हुआ। मेरे पास कैट्स, खरगोश, यहाँ बछड़ा तक है, और इनको हम दिन में दो बार बनाया हुआ खाना खिलाते हैं, चावल चिकन सब्जी वगैरह बना के खिलाते हैं। और दूसरी दवाइयाँ है, क्योंकि ज़्यादातर बीमार रहते हैं, जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं, जख्मी होते हैं, वो दवाइयों का बहुत खर्चा रहता है। हमें हर दिन चिंता लगी रहती कल इनको क्या खिलाएंगे हम। अभी जो ये हालत हमारे शेल्टर की देख रहे हैं, जब से हमने शिफ्ट किया है, सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तकरीबन ये पूरा शेल्टर हमारा दीवारों से बन जाए, पक्के कमरे बन जाएं, और सारे बच्चे जितनों को अलग अलग हमने बैरक सबको भी फ्रीली छोड़ सकें, ये हमारी ये ज़रूरत है। आप सबसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, इन बेजुबानों के लिए सबसे मेन तो एक भोजन है और दवाइयाँ हैं और बारिश, हवा, तूफान और ये धूप से बचाने के लिए कमरे मकान हुए, इसके लिए आप थोड़ा आगे बढ़कर मदद करिए हमारी।